सुन ले भाई, आज फिर से चटनी। हाँ, मजेदार चटनी, मजा आ जाएगा ना शिवांश? कल मजा आया था ना खूब। आज का कई कमेंट आते हैं कि रेसिपी बताना, तो ये खाली साबुत लाल मिर्च पीसनी शुरू की है मैंने। अब इसमें ये लहसुन ऐड करूंगी थोड़ी देर में, और लास्ट में थोड़ा सा नमक डाल लूंगी ताकि जो छिलके रह जाए ना वो भी पीस जाएंगे नमक डालने से। हाँ, और पानी की जगह पीसते टाइम छाछ डालो। और एक चीज और बताऊं, कई लोगों की एक थॉट होती है कि भाई सिलबट्टे पे चटनी पीसने में समय लेती है, लेकिन आप शुरू में खाली साबुत लाल मिर्च है ना, उनको गर्म पानी में भिगो देना, फिर पीसना शुरू करना, 3 या 4 मिनट से ज्यादा नहीं लेगी। वाह जी वाह, वाह 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 वाह, क्या पता नहीं, नमक डालो लास्ट में ताकि बीज पिस जाए नमक से फिर। और पता नहीं आजकल तो पत्नी किस लिए इतनी मेहरबान हो रही है कि चटनी बना बना के खिला रही है। सेब बनना नहीं चाहते, नहीं तो बन नहीं सकते। हाँ, मामा सबसे बड़े सेफ है। सुनेगी नहीं आपकी मम्मी। अब देख लो ये लाल मिर्च है ना, पहला ही वो चल रहा है मेरा राउंड, किसने मैंने शुरू किया, देखो ये साबुत थी। सही बात, रगड़ते जोर लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस पत्थर को हिलाते रहो, अपने आप हिलाते रहो। सही बात, तो भाई आ जाओ मजेदार चटनी खा लो। इसके अंदर जो पानी डालते हैं ना पीसते टाइम, वो पानी की जगह अगर आप छाछ या फिर दही यूज करोगे तो बहुत अच्छी टेस्टी। दही में बाद में डालूंगी क्योंकि ये छाछ मेरे को यूज लेनी है, खट्टी है जिससे कि इसका तीखापन कम हो जाएगा। फिर टेस्टी, स्वादिष्ट, मजेदार। मेरा शिवांश भी खाता है, किराने की दुकान पे जाके ये बोलना नॉर्मल तीखी हो, ज्यादा तीखी मिर्च ना हो। शिवांश तो बिना छुकी हुई खाता है, इसको मजा ही उसमें आता है। आज सब वैसे खाएंगे बिना छुकी ना, छुकूंगी थोड़ी सी। अच्छा जी, अब इसमें नमक डाल दिया, ठीक है। अब ये बची खुची थोड़ी बहुत, अगर इसमें मोटी होगी ना तो नमक से हो जाएगी बारीक। सिलेंडर भरवा लो। रुको रुको, क्या ये देखो जी, लाल मिर्च पिस चुकी, अब डाल देते हैं लहसुन। बस तेल, तेल है क्या? अभी लहसुन है ना, ये पिसेगा बस 5 मिनट में। लहसुन पहले ही डाल देते हैं ना तो चिकनाहट आ जाती है, जिससे कि पत्थर उतना प्रॉपर काम नहीं कर पाता। अच्छा जी, इसी बात है, ये मेरा खुद का एक अनुभव है, क्योंकि मेरे को चटनी बनाने नहीं आती थी, पत्थर पे गाँव में सबको आती थी। एक मिनट चुप हो जा, मेरे को बांटनी नहीं आती थी ना, तो मेरे को लगता था कि इसमें बहुत टाइम लगता था, मैं लहसुन साथ डाल देती थी, और जब से मैंने खाली लाल मिर्च पीसनी शुरू की ना तो ये टाइम कम लेती है। ठोको थाली, ठोको थाली। अब देखो लहसुन सबसे लास्ट में डाला है, और लहसुन भी 2 मिनट में पीस के तैयार, और फिर अपन चटनी निकाल लेंगे। तो जी ये देखो अपनी चटनी बनकर तैयार है। अब इसमें आप चाहे तो खाल सरसों का तेल गरम करके जीरा डाल के खाली तेल का छोक लगा सकते हैं, या फिर घी है भाई जिनके पास तो घी का छोक लगाओ, जबरदस्त लगेगी। जबरदस्त, या फिर गरम करके घी डाल के या मक्खन डाल के खाओ, बहुत मजा आएंगे। लेकिन मैं बिना छुकी खाता हूँ, और यहाँ मेरे पापा मूछों की आटी लगाते हुए मूछों की सब्जी बना रहे ये मेरे नहीं कटी।
तो अब इसमें लगाएंगे तड़का। है? अब तो मुझे चटनी की सुगंध भी आने लग गई। चुप रहेगा।